हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू MewTube। ये चैनल मैंने बिल्कुल नया नया क्रिएट किया है आप सभी के लिए, सो एज टू हेल्प यू आउट गाइस इन दो सिचुएशंस जहां जहां पे आप फंस जाते हैं। व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू YouTube चैनल, आप क्या सोचते हैं? बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट व्यूज आप क्या करते हैं? आप गूगल एड्स पे अपनी वीडियोज क्रिएट करते हैं, और यार अगर वो एड आपकी ना चले तो हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अगर आपने गूगल एड्स में कैंपेन अपना बनाया है, ठीक है, कैंपेन बनाने का बिल्कुल आपको पता होगा कैसे कैंपेन बनाया जाता है। देर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिनकी हेल्प से आप एक कैंपेन बना सकते हैं गूगल एड्स पे। तो सपोज आपने कैंपेन बना लिया, ठीक है, तो हुआ क्या यार, मेरा एक दूसरा चैनल है हेमंत SCERT जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 11th एंड 12th कॉमर्स। मैंने वो बिल्कुल नया नया चैनल उसमें वीडियोज अपलोड करनी स्टार्ट करी, व्यूज आ नहीं रहे थे, सो देन आई थॉट ऑफ गूगल एड्स। मैंने सोचा कैंपेन बनाया जाए और अपनी थोड़ी एड्स रन की जाए सो दैट मुझे व्यूज आने शुरू हो। ठीक है, देखो हुआ क्या, गूगल एड्स पे जैसे ही मैंने कैंपेन बनाया, मेरी जो एड्स हैं दे स्टार्टेड गेटिंग डिसअप्रूव्ड, यू नो, और उनके पीछे रीजन क्या था, अनसपोर्टेड लैंग्वेज। सोच सकते हो तुम अनसपोर्टेड लैंग्वेज कोई रीजन हो सकता है? मेरी जो वीडियोस हैं वो हिंदी में है, और जो मैं टारगेट ऑडियंस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो हिंदी बोलने वाली ही हो। देखो यार तब भी इन्होंने क्या रीजन दिया, अनसपोर्टेड लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो होगा क्या, अगर आप सेम सिचुएशन में हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल एड्स का ये होम पेज खोलना है। इसके बाद आपने कहाँ जाना है, इसके बाद आपने जाना है कैंपेन्स पे। देखो यार मैंने दो कैंपेन्स क्रिएट किए हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गूगल फीड कैरी मिन्नती क्लास 12th वाला। देखो मेरी जो इनिशियली टू वीडियोज हैं देवर गेटिंग disapproved। देखो यार इनिशियली मैंने जो कैंपेन बनाई वो कौन सी थी, गुडविल विद कैरी मिन्नाटी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली ये वाली बनाई थी, सही है। इसके बाद जब मैंने ये भेज दी रिव्यू के लिए तो अंडर रिव्यू आया एक रात तक। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मैं उठा ये आया रीजन disapproved, और रीजन क्या था, अनसपोर्टेड लैंग्वेज। तुम सोच सकते हो यार रीजन अनसपोर्टेड लैंग्वेज, मतलब मैंने इतनी मेहनत से कैंपेन बनाया और इन्होंने ऐसे ही खामा खामे डिसअप्रूव कर दिया इसको। अब ये आगे कह रहे हैं रीड द पॉलिसी, नीचे कह रहे हैं रीड द पॉलिसी, इसी में देखो नीचे आ रहा है। मैं क्यों करूं भाई रीड पॉलिसी, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। ठीक है, तो मैंने कोई रीड वीड नहीं की, मैं आपको तरीका बताता हूं मैंने क्या करा, और वो थोड़ा बहुत काम कर भी गया। दूसरी बार मैंने किया था, देखो फिर इन्होंने डिसअप्रूव की थी, तीसरी बार किया तब जाके इनकी अप्रूव्ड आई है। और यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सो दैट आपके साथ अगर सेम सिचुएशन आ रही है तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो, सही है। तो जब भी ये वाली स्क्रीन खोलोगे ना, सपोज आपका सिर्फ कैंपेन एक बना हुआ है, यहाँ पे डिसअप्रूव्ड आ गया, आपका रीजन है अनसपोर्टेड लैंग्वेज या कोई और रीजन भी हो सकता है। देखो आपने क्या करना है, नीचे लर्न मोर है ना, यहाँ पे जाओ आप, इसको क्लिक करो, एक साथ में एक छोटी सी स्क्रीन खुलेगी और वो स्क्रीन क्या है, वो हेल्प डेस्क है इनका कोई। तो आपने इसको कुछ नहीं करना, आपने सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे खोलना है ओपन इन अ न्यू विंडो, देन वो क्या है, वो मिनी स्क्रीन यहाँ पे एक न्यू विंडो में खुल जाएगी। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना यार, इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जाओ कॉन्टेक्ट अस पे, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना इशू का एक टाइटल देना है। मैंने दिया था माई एड्स गेटिंग डिसअप्रूवल रीजन एज अनसपोर्टेड लैंग्वेज, सही। मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया तो आपको कैटेगरी चूज करनी है इशू की। मैंने चूज करी कंसर्न्स अबाउट डिसअप्रूव्ड एड्स, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना, ये रिकमेंडेड आपको ये दे रहा है, क्वेश्चंस देख लो जाके। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं देखने भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। देखो केस आईडी आपकी क्रिएट हो गई, कह रहा है इन प्रोग्रेस, आगे फिर से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे कहेगा आपको कॉन्टेक्ट कैसे करें हम, मैं बोलूंगा भाई ईमेल से करो, तो ईमेल पे क्लिक करना, ये आपकी फील्ड्स ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अपना गूगल एड या जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आपने चूज फाइल करना है, ये फाइल कौन सी होगी, आपने क्या करना है क्रॉप करके जहाँ पे आपका डिसअप्रूव्ड आ रहा है ये वाला छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। अपलोड कर दोगे, एड ग्रुप का नाम डालना है एग्जैक्ट जो एड ग्रुप यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, कहाँ पे, गूगल एड्स पे, तो गूगल एड्स वाला एड ग्रुप का नाम डालना है, कैंपेन का नेम डालना है, और यहाँ पे समरी ऑफ द इशू डालना है। देखो आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए मैंने थोड़ा काफी लंबा सा समरी ऑफ द इशू लिख दिया था, और आगे मैंने लिख दिया था यहाँ पे ईमेल में। अब ईमेल सीसी कह रहा है कि कहाँ पे, मैंने बोल दिया था भैया यहाँ पे। अब आप इसको सबमिट कर दोगे, आई थिंक विद इन 24 आवर्स आपको एक रिप्लाई आ जाएगा, ये इन्होंने रिप्लाई भेजे थे मेरे को। देखो मैं बताता हूँ रिप्लाई कैसा आएगा, यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ कहानी लिख दी कि बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई विल नीड यू टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। भाई मतलब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, मैंने यार बिल्कुल अपना मोबाइल नंबर तक वेरीफाई करवा लिया तुम्हारे पास, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी नहीं पता भाई, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने इसका कुछ भी नहीं किया। इसके बाद इनका दूसरा मेल आता है, दूसरे मेल में भाई साहब कहते हैं अपॉन चेकिंग फर्दर वी नोटिस दैट द एड्स ऑडियो इज इन हिंदी लैंग्वेज, कह रहा है कि आपकी एड की लैंग्वेज हिंदी ही है, व्हिच इज अलाउड अकॉर्डिंग टू गूगल एड्स, जो अलाउड है गूगल एड्स के अकॉर्डिंग, यू कैन यूज हिंदी लैंग्वेज, आप यूज कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज फॉर टारगेटिंग द सेम लैंग्वेज यूजर्स, कह रहा है आप सेम लैंग्वेज यूजर्स को टारगेट कर सकते हो। भाई तो मेरी कहां पे दिक्कत है, देखो आगे क्या कह रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू अपलोड द एड्स फॉर ऑटोमेटिक रिव्यू एंड वेट फॉर 24 to 48। भाई मैं नहीं कर रहा वेट यार, मुझे नहीं करना वेट, मैंने
मैंने इसके बाद देखो क्या करा, मैंने एक छोटा सा मेल डाल दिया, आई एम राइटिंग अगेन एंड आई विल कीप राइटिंग बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज अनसपोर्टेड लैंग्वेज मीन। मेरे को नहीं पता भाई इसका मतलब। इट इज बिकॉज आई क्रिएटेड टू मोर कैंपेन्स एंड यू गाइस डिसअप्रूव बोथ ऑफ देम। देखो मैंने दो कैंपेन और बनाए थे, वो इन्होंने अप्रूव कर दिए ओनली बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट इज इनसपोर्टेड लैंग्वेज। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इट इज बिकॉज आई क्रिएटेड टू मोर कैंपेन्स एंड यू गाइस डिसअप्रूव बोथ ऑफ देम। यार इन्होंने क्या करा था, मैंने जो दो और कैंपेन्स बनाए थे वो भी डिसअप्रूव कर दिए, वो मैंने अभी आपको पीछे दिखाए भी थे, ठीक है, और उनका सेम ही रीजन दिया था इन्होंने अनसपोर्टेड लैंग्वेज। मुझे समझ आया नहीं इसलिए मैंने मेल डाल दी थी कि काइंडली प्लीज एक्सप्लेन इफ आई एम स्पीकिंग हिंदी इन माय वीडियो, कि भाई तुम ही बता दो मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, एंड आई वांट माय टारगेट ऑडियंस टू बी हिंदी स्पीकिंग। मैंने कहा यार मुझे टारगेट ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग ही चाहिए, एम आई डूइंग इट रॉन्ग, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, तो तुम मुझे सही तरीका बता दो। यू पीपल नो दिस बेटर, ऑब्वियसली यार दे नो बेटर, बट मैंने जानबूझ के सरकास्टिकली लिखा बिकॉज आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड नाउ, अदर ऐड गॉट अप्रूव्ड एंड इट वाज क्रिएटेड विद द सेम सेटिंग्स। मैंने एक दूसरा ऐड बनाया था वो अप्रूव हो गया था, तो मैंने लिखा यार वो तो तुमने अप्रूव कर दिया, ये कैसे डिसअप्रूव कर रहे हो। आगे मैंने ये दो अटैचमेंट भेज दी थी, वो स्क्रीनशॉट लेके डिसअप्रूवल वाली। आगे देखो इनका क्या मेल आता है, आगे मेल आता है इनका, आई वुड लाइक टू शेयर, इधर से पढ़ना, आई वुड लाइक टू शेयर दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द एड एज द एड्स ऑडियो इज इन हिंदी लैंग्वेज एंड व्हिच इज अलाउड अकॉर्डिंग टू गूगल एड पॉलिसीज, द एड माइट बी इनकरेक्टली डिसअप्रूव्ड बाय द सिस्टम। यार मतलब यार अब यही दिन देखने को रह गए क्या, मतलब मैं इतनी मुश्किल से यार एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तुम उसको ऐसे ही डिसअप्रूव कर रहे हो, वो भी इनकरेक्टली। सही है भाई सही है। तो देखो यहाँ पे मैंने आगे, अभी ये रीसेंट इशू है तो मैंने आगे लिखा इट गॉट डिसअप्रूव्ड अगेन, वो अप्रूव करा इन्होंने, बीच में थोड़ी देर के लिए अप्रूव हुआ फिर डिसअप्रूव हो गया, तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेके फिर से भेज दिया। तो यार अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे करोगे तो शायद आपकी हेल्प हो भी जाए, मेरी तो थोड़ी अभी तक अटकी हुई है, शायद आपकी हो भी जाए। अगर आपने सीधा सीधा मेल डालना है यार, यहाँ पे सीधा मेल डालो ads@google.com, आप सीधा इस पे मेल डाल दो, स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो, ये रिप्लाई पक्का करते हैं। सही है, रिप्लाई तो पक्का है यार इनका, क्या गलती जितनी मर्जी कर देंगे। तो आई होप यार ये वीडियो जो आपने देखी है इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, अगर आपका सेम रीजन आ रहा है अनसपोर्टेड लैंग्वेज वाला तो इससे आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो सही है यार, गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, बट मुझे ये नहीं पता था कि गूगल भी इतनी गलतियां करता है सीखने के लिए, मुझे लगा था कि हम ही लोग सीख रहे होते हैं। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीज निकल के आई है तुम्हारे लिए, तो यार वीडियो को एक लाइक दे देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे इश्यूज अब लेके आता रहूंगा बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल अफ्रेश। तो मैं ऐसे इश्यूज डालता रहूंगा जिससे हम सबकी हेल्प होती रहे, हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है एक ही है, तो जितने नए यूट्यूबर्स हैं सारे मिले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं हेल्प आउट करता रहूंगा यार, ऐसे इश्यूज में डालता रहूंगा और आप लोगों को जेन्युइनली मैं हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी अगर आपके इश्यूज हैं जो रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं कोशिश करूंगा मैं उनपे बहुत सारी वीडियोज क्रिएट करूँ, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं उनपे वीडियोज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो यार होता क्या है, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, माइनर से इश्यूज लेके वीडियो बनाते हैं तो भी वो इतने सारे व्यूज ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट आई थिंक बॉदर्ड नाउ एट दिस लेवल, दे आर नॉट बॉदर्ड कि उनको कोई सपोर्ट की जरूरत भी है। तो यार हम सारे यूट्यूबर्स हैं जो छोटे छोटे, हम सबको मिलके काम करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को आप लेके आए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश करूं, मैं देखूंगा मैं कैसे उनको वे आउट निकाल सकता हूं, एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने भाई बहनों का, पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, बच्चों का, सबका ख्याल रखिए, है ना, हस्बैंड्स का, वाइफ्स का, गर्लफ्रेंड्स का, बॉयफ्रेंड्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।